हेलो केशवी, डॉक्टर स्मिता, मैं पलक बोल रही हूँ। केशवी इस वक्त यहाँ नहीं है। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं प्रॉब्लम वाली बात क्या हो सकती है। What? Are you sure, doctor? Yes, Palak. I am dead sure. अरे वाह, कितनी खूबसूरत लगती है मेरी बेटी है इस दुल्हन के लिबास में। आ जा केशव। शादी का शुभ मुहूर्त आ चुका है, वर वधू को मंडप में लेके आवे। ओम स्वस्ति नाय वृद्धि स्वाहा, स्वस्ति न उषा विश्ववेदा, स्वस्ति नास्त्र रक्षयो आरिष्टानेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्। पक्ष का फोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? आज से पहले मैं इतनी अच्छी तरह से तैयार कभी नहीं हुई थी। आज मैं पूरी तरह से तैयार हो गई। तुम कहना क्या चाहती? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दक्ष पर ये शादी थोपी गई है। वो किसी मजबूरी से केशवी से शादी कर रहा है। प्रांजल, मुझे जल्द से जल्द ये शादी रोकनी होगी। चलो मेरे। रुक जाओ पलक। पलक अब तक आए क्यों नहीं? बेटा, अब आप लोग हाथों में पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करें। बेटा, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या बात है, तुमने इस तरह से मुझे रोका क्यों? मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे ये शादी रोकनी है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि बात क्या है। प्रांजल, जब मैं शादी के लिए यहाँ से निकल रही थी तो केशवी के लिए डॉक्टर स्मिता का फोन आया। उनसे मुझे पता लगा कि केशवी प्रेग्नेंट नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए वहां गई थी। वो हम सबसे झूठ बोलकर ये शादी कर रही है। उसने हमसे झूठ कहा कि वो दक्ष के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। शांत हो जाओ पलक, शादी कोई मजाक नहीं होती। हम ऐसे कैसे शादी रोक सकते हैं? देखो पलक, शादी मजबूरी या कोई मतलब से की नहीं जाती, वरना वो दोनों एक साथ एक कमरे में उस रात को, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सुकृते नाम भवने स्वलक्ष्मी। रांजल, केशवी दक्ष से प्यार करती है या नहीं करती मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दक्ष केशवी से प्यार नहीं करता और ना ही ये शादी करना चाहता है। तुमने सही कहा था प्रांजल, शादी किसी मजबूरी से नहीं, प्यार से की जाती है। और केशवी दक्ष की मजबूरी है, प्यार नहीं। वो झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके दक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है और मैं ये नहीं होने दूंगी। ये नहीं हो सकता। अगर पलक ये शादी रोक देगी तो मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। शादी ना रुके इसलिए मुझे पलक को रोकना होगा। तुम क्या सोच रहे हो प्रांजल, अब तुम आ रहे हो मेरे साथ? या फिर मैं अकेली चली जाऊं? तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, मैं जा रही हूं। पलक! I'm sorry, पलक, मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वहां जाकर सबको मेरी सच्चाई बता और मेरे किए किराए पर पानी फेर दो। पलक, कहां हो तुम? हेलो, माँ कहां है? जल्दी से माँ को फोन दो,
मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। स्वयं सुकृते नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियम हृदये सुबुद्धि। आप लोग भगवान गणपति का ध्यान करें। माँ के लिए प्रांजल का फोन है, वो अर्जेंटली कुछ बात करना चाहता है। माँ आपका फोन। हाँ प्रांजल बोलो। माँ पलक को डॉक्टर से पता चल गया कि केशवी प्रेग्नेंट नहीं है और केशवी दक्ष को मजबूर करके उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी करना चाहता है और पलक ये शादी रोकने के लिए मंदिर जा चुकी। इस वक्त पलक कहाँ है? वो मेरी गाड़ी के आगे, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तो रोको पलक को, उसे मंदिर जाने से रोको प्रांजल। हाँ मैं पलक को रोक नहीं सकता, अगर मैंने पलक को रोका तो वो मेरी सच्चाई जान जाएगी और हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ये शादी नहीं हुई प्रांजल तो हमारा खेल वैसे भी खत्म हो जाएगा। अगर दक्ष शादी से बच गया तो जागीरदार परिवार को पता चल जाएगा कि केशवी ने दक्ष को फंसाने के लिए झूठ कहा था। दक्ष सारे इल्जामों से बरी हो जाएगा और उसके बाद पता नहीं हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा प्रांजल। हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं माँ, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। दूसरे लाइन से मेरे आदमियों को फोन करो जल्दी। हाँ प्रांजल तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी पलक को मंदिर पहुंचने से पहले ही रोक लेंगे। शादी के बाद तुम पलक को आजाद कर देना और एक बार फिर पलक की नजरों में नायक बन जाना। लेकिन माँ शादी के बाद पलक चुप थोड़ी ना रहेगी, वो सबको सच तो बता ही देगी। तुम बहुत जल्द उतावले हो जाते हो प्रांजल, चिंता मत करो मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी। डॉक्टर सबके सामने कह देगा कि पलक झूठ कह रही है, लेकिन फिलहाल हमें पलक को मंदिर जाने से रोकना होगा। ठीक है माँ, पलक को मंदिर जाने से रोको, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे किसी भी तरह की खरोच नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ प्रांजल, मेरे आदमी मंदिर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जब तक वो लोग वहां ना पहुंचे तुम किसी भी तरह से पलक को रोको। प्रिय पति गुंगवामये निधि नन्त्वा निधि। फायर पंक्चर। टैक्सी टैक्सी, मंदिर जाना है, जल्दी चलो प्लीज। निधि पाटी गुंगवामये वसो ममाहं जासि गर्भद मात्वं त्वाम। दक्ष का फोन क्यों नहीं लग रहा है? लगता है कि कोई कार वाला हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मैडम ओम गणपति देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, क्या जरूरत थी मुझे इतने करीब से उसका पीछा करने की? अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। हेलो केशवी, पलक को सब कुछ पता चल गया है, उसको पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। उस डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया और वो तुम्हारी शादी रोकने के लिए आ रही है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जल्दी से शादी की सारी रस्में पूरी कर दो वरना तुम्हारी शादी रुक जाएगी और दक्ष तुम्हें कभी मिल नहीं पाएगा।
You'll have to do something, Keshvi. दक्ष, ये क्या बात है? शादी के वक्त भी तुम फोन पर लगे हो। Come on, disconnect the phone. क्यों? तुम सबकी नजरें चुरा कर खुद फोन पर बात कर सकती हो, तो क्या मैं किसी को फोन नहीं कर सकता? और वैसे भी हमारी शादी तो हो ही रही है ना। अच्छा, मैं भी तो जानू ये इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है जो हमारी शादी चैन से नहीं होने दे सकता। पलक, अरे ये मोबाइल तो मैडम का है, यानी कि मैडम मोबाइल अपना यहीं भूल गई। जो चाहो बाद में कर लेना, लेकिन अब तुम किसी को फोन नहीं करोगे। करोगे तो सिर्फ मुझसे शादी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि घर वाले परेशान हो, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र है, तुम्हारी नहीं। आप लोग शादी पर ध्यान दीजिए, मंत्र सुनने हैं, क्योंकि आपको दोहराने हैं। ये दाम्पत्य सूत्र है और बड़े भाग्य से मिलता है। अरे मैडम, आप जाइए। मैडम मोबाइल देने के बहाने मैं यहाँ पे आ गया। आप जाइए, अंदर मैं इनको देखता हूँ। आप लोग फेरों के लिए जल्दी उठे, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। दक्ष, जल्दी उठो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। कम ऑन। वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। पहले वधु वर को पहनाएगी। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकांक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। ओम हव्य प्रदानं रमणं पीतरस्य काव्य प्रदानं यदि पूजयेथ वामाङ्गनायामि तदा त्वदीयं जगाद्वाक्यं प्रथमं कुमारी। वधु के अखंड सौभाग्य के लिए वर वधु के गले में मंगलसूत्र पहना दे। दक्ष, अब इंतजार किस बात का है? कम ऑन, जल्दी से ये मुझे पहना दो प्लीज। ये लीजिए मैडम आपका मोबाइल, पुलिस का सायरन मैं इसी में से बजा रहा था। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है। चलिए मैं आपको टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। इसकी परवाह मत कीजिए मैडम, आप जाइए शादी को रोकिए, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। कीजिए ये मंत्र, ये शादी नहीं होगी। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम आखिर होती कौन हो मेरी शादी रोकने?
ये सब क्या है पलक? तुम ये शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? क्योंकि ये शादी झूठ की बुनियाद पर हो रही है। आप लोग सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। केशवी शुरू से ही दक्ष के पीछे थी, इसलिए केशवी ने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और दक्ष को फंसा लिया। आप सबने भी इसकी बात मान ली, जिसका नतीजा है ये शादी। मैं मंदिर के लिए निकल ही रही थी कि केशवी के लिए डॉक्टर स्मिता का फोन आया। उनसे मुझे पता चला कि केशवी प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल चेकअप के लिए वहां गई थी। तब मुझे केशवी की सारी चाल समझ में आ गई। झूठ बोल रही है आप लोग मेरी बात मानते कि नहीं? झूठ बोल रही है। दरअसल बात यह है कि ये मैडम खुद दक्ष से प्यार करती है, इसलिए नहीं चाहती कि मेरी शादी दक्ष से हो जाए। हमें काम करते हैं, फिलहाल ये शादी कर लेते हैं और जैसे ही कल सुबह होती है ना, आई प्रॉमिस मैं अपने डॉक्टर से बात कर लूंगी, फिर देखना सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। कल सुबह तक इंतजार करने की क्या जरूरत है केशवी, ताकि तुम डॉक्टर को धमकी दे सको और उनसे झूठ बुलवा सको? डॉक्टर स्मिता, प्लीज आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूं। डॉक्टर स्मिता, आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो आप फिर से कह दीजिए, ताकि इन सबको यकीन आ जाए। हाँ, केशवी मेरे पास नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, केशवी प्रेग्नेंट नहीं है।